हावड़ा से नागपुर आ रही आजाद हिंद एक्सप्रेस नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग के पास बेपटरी हो गई। तेज आवाज के साथ इंजन के तीन पहिए पटरी से उतर गए। गाड़ी नागपुर स्टेशन में पहुंचने वाली थी, जिससे ट्रेन की गति काफी कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और जान माल का कोई नुकसान नहीं। बाल विवाह संरक्षण विभाग की सतर्कता से नाबालिग दूल्हा दुल्हन विवाह सूत्र में बंधने से बच गए। दूल्हे की उम्र 18 और दुल्हन की उम्र 15 वर्ष बताई गई है। लकड़गंज पुलिस ने अस्पताल के संचालक सहित चार लोगों से पूछताछ कर उन्हें कब्जे में लेने की जानकारी गुरुवार को ऑनलाइन पत्र परिषद में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में गत वर्ष नागपुर को बड़ा झटका लगा। साल 2020 के मुकाबले 5 पायदान निचले चला गया। साल 2020 में नागपुर शहर भारत में 18 नंबर पर रहा। साल 2021 में पिछड़कर 23वें स्थान पर रहा। शिक्षण मंडल की कक्षा 10वीं परीक्षा के लिए हॉल टिकट उपलब्ध नहीं कराएंगे तो शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा उप निरीक्षक, शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा उन्हें हॉल टिकट प्रदान किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने एक आदेश में बच्चे को गोद लेने वाली मां की जाति से जुड़ा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर जमकर फटकार लगाई है कि पहले आप नियमानुसार उत्खनन का सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस प्रणाली क्रियान्वित करें। फटकार के बाद रेत घाट धारकों के चेहरे उतर गए। वन्य जीवों के रेस्क्यू के लिए गन महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इन दिनों ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर इनकी कमी से जूझ रहा है। अमेरिका से मंगाई एक गन के भरोसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संगठनों को 4 महीने में एक बार ही अनुदान देती है, इसलिए इन संगठनों व कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक संगठन को सालाना 12 से 15 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता की ओर बढ़ने से उत्साहित निवेशकों की लिवाली के बल पर शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी रही और इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% से अधिक बढ़ोतरी दर की गई।